2013 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी है 2 kg की, सिचुएटेड एक्स एक्सिस के लोग यहाँ पे सिचुएटेड है, एक एक्स इक्वल टू इस केस में ओरिजिन पे है 2 kg की बॉडी, फिर एक्स इक्वल टू कहाँ पे है 1 पे है, फिर एक्स इक्वल टू 2 पे है, फिर एक्स इक्वल टू 4 पे है, इसी तरीके से इनफाइनाइट, फिर एक्स इक्वल टू 8 पे है, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज है, 2 kg सबका मास है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है ड्यू टू द सिस्टम एट ओरिजिन विल बी इस केस में 1 meter रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे 2 है, यहाँ पे नहीं, ओरिजिन पे नहीं, x इक्वल टू 1 पे 2 kg की बॉडी रखी हुई है, फिर x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे भी 2 kg की, 2 kg की, इस तरीके से ईच ऑफ मास 2 kg, इस पे ओरिजिन पे यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है ड्यू टू दिस फॉल सिस्टम एट ओरिजिन, तो यहाँ पे v इक्वल टू होता है माइनस gm बाय में r के बराबर, तो इसी तरीके से लिखेंगे, ये इसकी वजह से हो जाएगा, इसकी वजह से भी माइनस जीएम बाय आर, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा माइनस जीएम बाय आर, तो यहाँ पे माइनस जीएम बाय में या जाएगा आर, इसी तरीके से लिखते जाएंगे तो वी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लें तो वी इक्वल टू माइनस जी बाय जीएम हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 बाय आर की वैल्यू 1 माइनस 1 बाय 2, फिर प्लस का 1 बाय 2, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, प्लस का 1 बाय 4, प्लस 1 का 1 बाय 8, ये आ जाएगा आपके पास इसी तरीके से इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है हमारे पास, तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी एम इंटू में यहाँ पे जीपी बन रही है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और जो रिपीट नंबर है वो क्या है 1 बाय 2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1 बाय 2, 1 को अगर 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय 2 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 बाय 4, 1 बाय 4 को अगर 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाय 8, तो इसी तरीके से अगर जो फर्स्ट इसमें कॉमन डिफरेंस अगर लेस देन 1 है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बाय में 1 माइनस आर, ए बाय में क्या होता है 1 बाय आर, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, आर होता है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, तो यहाँ पे a डिवाइड बाय में क्या कर देंगे 1 माइनस आर के बराबर करेंगे, तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम इंटू में a की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 2, r की वैल्यू है 1 बाय 2, तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी इंटू में 2, इस यहाँ पे एलसीएम, ये 1 डिवाइड बाय में एलसीएम ले लेंगे हम 2, ये 1 बाय 2 बच जाएगा आपके पास, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू में यानी कि 4 माइनस का 4g, v की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4g, v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी माइनस का 4g के बराबर, यानी कि b ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, यहाँ पे आई थिंक आपको ये वाली वैल्यू समझ आ गई होगी, मैं इसको दोबारा सोल्व भी कर देती हूँ, तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व करोगे तो माइनस का gm इंटू में 1 माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2gm और m की वैल्यू 2 है तो माइनस का 4gm, ये आ जाएगी आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल, b ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।